नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। तो चलिए हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइम और वर्क से रिगार्डिंग है। तो हम लोग देखते हैं कि आकाश कैन डू 25% ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। हाउ मेनी डेज विल ही टेक्स टू कम्प्लीट द वर्क इन 10 टाइम्स। मीन्स जो वर्क का 25% वर्क है वो क्या है, 5 डेज में कम्प्लीट करता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करते हैं कि जो आपका 25% वर्क है वो क्या होता है, वो करता है वो 5 डेज में उसे कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो 100% वर्क होगा वो 100% वर्क मतलब जो फुल वर्क होगा वो कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 25% वर्क करता है वो 5 डेज में। तो क्या होगा, यहाँ पर 25 में हम 4 का मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, तो यहाँ पर भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, 5 × 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 डेज। मतलब वह उसी काम को जो फुल तरीके से हुआ 20 दिन में कर पाएगा। तो अब वो कहते हैं कि हाउ मैनी डेज विल ही टेक्स टू कम्प्लीट द वर्क 10 टाइम्स। मतलब ये हो गया 1 टाइम्स, मतलब 1 टाइम्स जो काम है वह 20 डेज में कम्प्लीट करता है। अब वो बात कर रहे हैं कि 10 टाइम्स को कितने दिन में करेगा। तो 10 टाइम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लोग 10 का, क्योंकि 10 टाइम्स बोल रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स वर्क हो जाएगा ये वाला। और ये यहाँ पर दिन कितना आ जाएगा, दिन आ जाएगा 200 डेज, यहाँ पर दिन आ जाएंगे आपके 200 डेज। तो दैट इज द आंसर। ओके, थैंक यू।